बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, तो आज हम इस डमी पे एक और स्टाइल बनाएंगे। मैंने सबसे पहले सेंटर की मांग निकाली है, ठीक है। बेसिक जो रूल होता है किसी भी हेयर स्टाइल का, सबसे पहले सेंटर की मांग निकाली जाती है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से सारे बालों को सही किया जाता है, टैंगल फ्री किया जाता है, मतलब सब बालों को सुलझा लिया जाता है ताकि स्टाइल बनाने के लिए हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और अगर बाल वेवी है या कर्ली है तो बेस्ट बात ये कि आप बालों को आयरन कर दिया करो, ठीक है, जिससे आपके स्टाइल में बहुत जबरदस्त फिनिशिंग आ जाएगी। अच्छा ये देखो, मैंने इस तरह से ये पार्ट निकाल लिया, मतलब ये स्लिट निकाल लिया फ्रंट का, ओके। अब मुझे यहाँ पर बेकॉमिंग वाला स्टाइल बनाना है, तो हम बालों की तो बेकॉमिंग नहीं करेंगे, लेकिन मैं इस तरह से ये लेकर आई हूँ। मार्केट में ये अवेलेबल है, ये इजीली मिल जाते हैं। इससे ये होता है कि हमें बालों को बेकॉमिंग करने की जरूरत नहीं होती है, तो स्पेशली ये उन बालों के लिए बेनिफिट होता है कि जिनके सर में बाल कम होते हैं स्केल्प से, ठीक है, जड़ों से बाल कम होते हैं और वो नहीं चाहते कि उनके सर पर बेकॉमिंग की जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो स्टार्ट का पार्ट है, यहां से ये पार्ट उठाएंगे थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। यहां से ये उठाएंगे एक और पार्ट, और इसको यहां से भी उठाएंगे, इस तरफ से भी सेम पोजीशन में, ठीक है। ये देखें, ये किया, यहां से उसको ऐसे किया, ऊपर से अच्छी तरह से फिनिशिंग देनी है हमें, ठीक है। ये देखो मैं यहां से बता देती हूँ, ऊपर से बहुत अच्छी तरह से फिनिशिंग देंगे, ये देखो इस तरह से, और पीछे से इसको अच्छी तरह से कॉम्ब आउट करेंगे ताकि बाल सारे सुलझ जाए और हमारा स्टाइल बहुत जबरदस्त फिनिशिंग के साथ बने, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी कि मैंने इन बालों को उठाया, मैं चेक करूंगी कि मेरा पार्ट सही है दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी, ये देखे बराबर है या नहीं है, ठीक है। ये देखो हम इसको भी अलग कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। और फिर हम लोग ये लेंगे अपना, ये लेंगे बन कह लेंगे इसको, या क्या कह सकते हैं हम इसको, एक्स्ट्रा हेयर कह सकते हैं, मुझे नाम नहीं आ रहा है कि उसको हम क्या कहेंगे। इसको हम यहां रखेंगे और पिन के साथ इसको फिक्स कर देंगे इस तरह से, ठीक है। इसको लगाते वक्त बहुत ध्यान रखना है, ऐसा नहीं सर में पिन नहीं घुसानी है हमें, बालों में लगानी है, ठीक है। ठीक है, ये किया, चले आप जो बाल हमने अलग किए थे ये वाले बाल, इसको हम लेंगे इस तरह से अच्छी तरह से कॉम्ब आउट करके फिनिशिंग करेंगे इन बालों को, और फिर इधर यहाँ पर पूरे सर पे, पूरे मतलब जो हमने लगाया है हेयर पीस एग्जैक्टली, इसको हेयर पीस कहेंगे, इस हेयर पीस के साथ यहाँ पर आकर इसको यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे, इसको अच्छी तरह से पिन कर देंगे, इस तरह से क्रॉस करके, ठीक है। जब भी हम ऐसे क्रॉस पिन लगाते हैं तो वो फिक्स्ड हो जाता है, मतलब एक टाइट हो जाता है और फिनिशिंग वाला लुक आता है, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से नीचे से ब्रश आउट कर देंगे टेल कॉम्ब से या ब्रश से, ओके। ये देखो ये देखिए ये किस तरह का लुक आ गया। अच्छा जी, अब हम इस वाले पार्ट को खोलेंगे, ठीक है। जो बाल हमने निकाले हैं, या तो क्लाइंट के फेस पे हम देख लेंगे कि किस तरह की चीज सूट कर रही है, अगर चाहे उसके टीका है उसके पास लगाने के लिए, तो फिर हम सेंटर की मांग निकाल लेंगे, अदरवाइज हम साइड की मांग भी ले सकते हैं, ठीक है।
ये पार्ट लिया यहां से, बल्कि यहां से ये देखो एक स्लाइस, मैं ये स्लाइस उठा रही हूं, ठीक है। देखिए ये स्लाइस उठाई यहां से ऐसे, ठीक है। अगेन इसको इसी तरह से तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक, ये दो और ये तीन। पहले पहला ट्विस्ट एक दे देंगे हम यहां से, और फिर हम यहां से अपनी स्लाइस उठाते जाएंगे छोटी छोटी सी, बिल्कुल। ये देखो उस दिन मैंने बड़ी बड़ी ली थी, मतलब जो पहले वाला स्टाइल था उसमें मेरी बड़ी बड़ी स्लाइस थी, आज मैं बिल्कुल छोटी छोटी स्लाइस ले रही हूं, ठीक है। ये देखें इसके साथ भी लेते जाएंगे यहां से, दोनों तरफ से ले लेंगे, ठीक है। ये देखो ये बहुत छोटी छोटी है, इसलिए फिंगर से मैनेज हो जाएगी, तो हम फिंगर से भी ले सकते हैं, ओके। अच्छा यहां से साथ साथ हम इसको लूज भी करते जाते हैं, ठीक है, इस तरह से, ताकि थोड़ा सा मैसी लुक आ जाए, जिस तरह का आजकल ट्रेंड में है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब इस चोटी को मैं कंटिन्यू करूंगी पूरी तरह से ऐसे, और इसको इस वक्त मैं यहां से ऐसे क्लिप लगा दूंगी, ठीक है। और सेम इसी तरह का स्टाइल मैं वहां से बना लूंगी, चले मैं बना के आती हूँ। अच्छा जी, अब देखिए इस तरफ से भी ये कंप्लीट हो गया है पार्ट, तो अब मैं यहाँ पे क्लिप नहीं लगा रही हूँ, इसको पीछे की तरफ करके हम इसको यहां से एक पिन कर देंगे, ठीक है। इन दोनों चोटियों को पकड़ेंगे इस तरह से ऐसे, यहां से टाइट करेंगे और पिन लेंगे सेम एक पिन ऐसे और दूसरी पिन ऐसे, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, फिर हम इसको खोल देंगे आराम से, ये देखिए ये हमारा स्टाइल है। अच्छा अब अगर देखिए इस तरह बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जिनके बाल कम होते हैं सर में, ठीक है, तो वो इस तरह से गंज पर नजर आ रहा था, या तो हम ब्लैक स्प्रे अपने पास सलून में रखें जिससे हम इसको ब्लैक स्प्रे कर दे तो ये स्केल्प नजर नहीं आता है, या फिर हमारे पास छोटे छोटे जो फ्लावर्स होते हैं एक्सेसरीज होती है वो होनी जरूरी, लाइक इस टाइप की, ठीक है, जो हम यहाँ पे लगा दे तो ये कवर हो जाए। अच्छा अब हम इससे इसको देते डेकोरेट करेंगे अपने हेयर स्टाइल को और देखते हैं क्या लुक आता है, ठीक है। ये उस स्टैंड से मैंने छोटे छोटे ये कट कर लिए जो मैं अब इनके बालों पे यहाँ पे लगाऊंगी, ठीक है, इसको हम फिक्स करेंगे। अच्छा इसको फिक्स हम लोग कर रहे हैं इनविजिबल पिन से ताकि पिंस नजर ना आए, ओके। चलिए ये देखिए मैं इसको यहाँ पर इस तरह से रख रही हूँ और ये इनविजिबल पिन है, इसको मैं यहीं से अंदर में
ये देखिए इस तरह से। अब मैं आपको इसको फ्रंट से लुक दिखाती हूँ। ये देखिए ये फ्रंट का लुक है, ये देखिए ये फ्रंट का लुक है, ये इसके साइड का लुक है, ठीक है, ये यहाँ से साइड का लुक है, ठीक है, और ये पीछे का लुक है। ओके चलो, उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये हेयर स्टाइल भी समझ आ गया होगा। ओके और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को समझ आ रहा है, वीडियो कैसी लग रही है। अल्लाह हाफिज। ठीक है, ये देखिए इसको इस तरह से अटकाएंगे। अब मैं दूसरा वाला उठाऊंगी, उसको भी इसी तरह से इनविजिबल पिन से लगा दूंगी। और आप लोग चाहें तो इसकी जगह पे ओरिजिनल फ्लावर भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आर्टिफिशियल हो। ये तो आर्टिफिशियल है, जो फ्लावर शॉप से वहां से मिल जाते हैं आराम से, ये बारीक वाले फ्लावर्स और भी बहुत सारा तरीके के मिलते हैं जो मैं आप लोग को आगे आगे फर्दर वीडियो में बताती जाऊंगी। ये देखें इस तरह से ये बीच में लगा देंगे एक, अभी मेरी पिंस भी सारी छुप गई यहां से जो चोटी में नजर आ रही थी, और ये डेकोरेट भी हो गया। अब आप लोग खुद देखो ये कितना खूबसूरत और कितना डिसेंट सा लग रहा है, कितना खूबसूरत और कितना डिसेंट लग रहा है, ये देखिए। ठीक है, इसको हम अपने हाथ से जिस तरह से भी चाहे इसको फैला सकते हैं, ठीक है, ये देखिए। मैं आपको इसको फ्रंट से लुक दिखाती हूँ। ये देखिए ये फ्रंट का लुक है, ये देखिए ये फ्रंट का लुक है, ये इसके साइड का लुक है, ठीक है, ये यहाँ से साइड का लुक है, ठीक है, और ये पीछे का लुक है। ओके चलो, उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये हेयर स्टाइल भी समझ आ गया होगा। ओके और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को समझ आ रहा है, वीडियो कैसी लग रही है। अल्लाह हाफिज़।